राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजय वर्गीय ने सोमवार को एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में मेरी जान को खतरा है। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल में सरकार के खिलाफ झंडा उठाने वाले की फोटो पर कभी भी माला चढ़ सकती है। कैलाश विजय वर्गीय का कहना था कि भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए बंगाल में काम करना चुनौती भरा है। हिंसक रहने वाली पार्टी के सामने कार्य करना हर कार्यकर्ता के लिए चुनौती है। मेरे समेत वे सभी कार्यकर्ता जो वहां काम कर रहे हैं, उन सभी की जान को खतरा है। विजय वर्गीय ने कमलनाथ को लेकर कहा कि कमलनाथ नारियल लेकर चले या नारियल का पेड़ लेकर चले, उन पर भरोसा कोई नहीं करता है। 15 महीने की सरकार में लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें देखा है। शिवराज के राज में प्रदेश का विकास हो रहा था, कमलनाथ जी के राज में प्रदेश का विकास रुक गया था और कमलनाथ जी और उनके मंत्रियों का विकास हो रहा था। मैं जब से सावेर में पहुंचा हूं, तब से मुझे कहीं भी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं दिखा। सावेर में भारी मतों से भाजपा जीत दर्ज करेगी। देखिए, वहां पर तो किसी भी कार्यकर्ता की तस्वीर पर माला चल सकती है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लिए आज के समय में काम करना बहुत चुनौती भरा है और हमारे कार्यकर्ता बहुत साहस से और बड़ी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं और ये सामने हिंसा हो और आप अहिंसक तरीके से काम करें, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। कई बार ऐसा लगता है कि सामने वाला हमला कर रहा है तो हम भी हमला कर दें, पर पार्टी का एक मिशन है, पार्टी की एक विचारधारा है, वो बिल्कुल अहिंसक है।